अपने दौर की जानी मानी अदाकारा बबीता कपूर के बारे में इस खास रिपोर्ट में हम आपसे चर्चा करेंगे। बबीता जो सिनेमा जगत के प्रतिष्ठित परिवार की बहू हैं, एक प्राउड मॉम हैं, उनकी दोनों बेटियां फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब हैं, उन्हीं के बारे में कुछ खास बातें हम आपको बताएंगे। आपको बता दें, बबीता कपूर अपने जमाने की सबसे मशहूर और सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक रही हैं, लेकिन एक दौर ऐसा था जब उन्हें अपनी बेटियों के लिए काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा। बबीता का करियर छोटा लेकिन चमकदार रहा है। उनके चाहने वाले सर आंखों पर बिठाते, उनका हर स्टाइल लोगों को दीवाना करता। हरीश शिवदासानी से बबीता कपूर बनने तक का उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है। जब बबीता को दुनिया जानने लगी, जब उनकी मेहनत का असर उनके करियर पर दिखने लगा, तब रणधीर कपूर के साथ शादी करने का फैसला उन्होंने कर लिया, अपने करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया। इंडस्ट्री में अपने करियर के चरम पर जब बबीता थी, उन्होंने फिल्मी दुनिया से विदाई ले ली, शादी करके घर बसा लिया। रणधीर कपूर से शादी करने से पहले बबीता इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा बन चुकी थी, लेकिन शादी के लिए उन्हें फिल्मी पर्दे से दूर होना पड़ा। कपूर खानदान की परंपरा के अनुसार इस परिवार की बहू या बेटियां फिल्मों में काम नहीं करती, इसलिए रणधीर और बबीता की शादी के लिए पहले तो कपूर परिवार तैयार नहीं हुआ, और जब तैयार हुआ तो बबीता को फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। बबीता और रणधीर कपूर की ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। अपनी दोनों बेटियों को लेकर कुछ समय बाद बबीता अपने पति से अलग रहने लगी। अपने दम पर उन्होंने बच्चों की परवरिश की, करिश्मा का करियर बनाया, करिश्मा को इंडस्ट्री में स्थापित किया। बबीता गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस साधना की कजन सिस्टर हैं। अलग होने के बावजूद रणधीर बबीता ने तलाक नहीं लिया। कुछ साल पहले ये दोनों एक बार फिर एक दूसरे के साथ रहने लगे। अपने छोटे से करियर में बबीता ने हसीना मान जाएगी, फर्ज और किस्मत, रास, कल, आज और कल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। बबीता का फिल्मी करियर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहा। छोटे से करियर में उन्होंने 19 फिल्में दी, लेकिन अपने टैलेंट के बलबूते इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।